नमस्कार, मैजिक मसाला बाय माला की किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में नीचे एक बेल का निशान रहता है उसको प्रेस करें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन वीडियो की आपको टाइम पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो पोहे से बनाने जा रही हूँ, और जो एक झटपट तैयार होने वाला नाश्ता है, और ये हमारे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक में खाया जाता है। लेकिन आज जो मैं पोहा बनाऊंगी वो महाराष्ट्र के बहुत ही फेमस आलू कांदा पोहा है। तो उसके लिए मैंने ये 2 कप पोहा लिया है, जो एक पतला पोहा है, और ये मैंने ऑयल लिया है जिसमें मैं बनाऊंगी। ये मैंने 3 आलू लिए हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। ये कुछ हरी मिर्चें हैं, 2 प्याज है और 1 नींबू है। हींग है थोड़ा सा, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और ये पीनट है, 1/4 कप है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके हम महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता झटपट तैयार करेंगे। गैस ऑन कर दी है मैंने, और कढ़ाई रख दी है, लो मीडियम मेरी गैस है। थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो लो पे कर देंगे। मैंने ये पीनट जो 1/4 कप लिया था वो डाल दिया है। इसको भून लेंगे, कभी स्लो करेंगे तो कभी थोड़ा सा मीडियम करेंगे, इस तरह करते हुए इसको भून लेंगे, और जब ये हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इसके लिए पहले थोड़ा सा तेल डाल दिया है मैंने, उसको भून लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। तेल मैंने एक ही टाइम में यूज़ कर लिया, पहले थोड़ा डाला था, फिर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल इस्तेमाल कर लिया। इसको भून लेंगे, जब ये हल्का गोल्डन हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है मूंगफली का, उसको हम निकाल रहे हैं। ये मैंने आलू के छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, इसको भून लेंगे। स्लो रखा हुआ है गैस को मैंने, थोड़ा सा ये पक जाएगा तब इसके बीच में हमने थोड़ा सा नमक डालना है। तो ये मैंने नमक डाल दिया, 1/4 छोटा चम्मच मैंने नमक डाला है, जिससे हमारे सॉल्ट जो है आलू के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। गैस लो है, अब हल्का सा ढक देंगे इसको, जिससे आलू हमारे गल जाएं। आलू हल्के से गल गए हैं, अब आगे का प्रोसेस करेंगे इसको। ये बहुत ही फास्ट तैयार होता है। एक तरफ मैंने आलू कर दिए हैं, ये देखिए तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है हमारा। इसमें मैंने सरसों डाल ली है, जो काली सरसों होती है, उसको भी हम भून लेंगे। ये देखिए भून गई है, तेल अच्छा खासा गर्म है हमारा। अभी मैंने स्लो कर दिया है, पहले लो कभी मीडियम हमारा गैस हो रहा था, अब स्लो पर है। अब इसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते डाल लिए हैं, 8-10 के करीब में, उसको भी चला लेंगे अच्छे से। सरसों के बाद हमने वो डाल दिया कड़ी पत्ता। अब ये हमने हरी मिर्चें छोटी छोटी काट के इसमें डाली हैं। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप डालिए। अब सबको मैं एक साथ, सारी चीज़ें भुन गई हैं, एक साथ हम मिक्स कर देंगे। ये प्याज डालेंगे, प्याज के बेरी मैंने लो मीडियम गैस कर दी है, लो पे नहीं करना, हल्का हल्का इसको, इसका जो पानी होता है कच्चा पानी वो हल्का सा दूर करना है, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि कांदे का इसमें स्वाद रहना चाहिए। कांदा मुंबई में बोला जाता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है। और ये मैंने हींग थी वो डाल ली है, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। देखिए हमारा प्याज भून गया हल्का सा, इसका कच्चापन दूर हो गया है। ज़्यादा नहीं भूनना, ये ध्यान रखना है, लाल नहीं करना हमने, बस ये भुन गया है। अब हम अपना पोहा डालेंगे। पोहा मैंने धो लिया था 2 पानी छन्नी में, और उसको मैंने किसी कटोरे पे रख दिया था जिससे पानी निकल गया है इसका। आप 10 मिनट पहले धो के पोहे को इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए इसको भी मिला लिया मैंने। इसमें आगे की चीज़ें डालेंगे हम, फिर से सॉल्ट डाल लिया मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हल्दी है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाली है। बहुत सारे मसाले इसमें नहीं डलते हैं, इसमें इतने ही मसालों में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको पहले इसको हल्के से हिला लेंगे इस तरह से कढ़ाई से, और होले धीरे धीरे हाथ से इसको चलाएंगे जिससे पोहा टूटे ना। आलू हमारा तकरीबन पक चुका है, और प्याज है वो भी हमारी ठीक से इसके बीच में ऑब्जर्व हो गई है, मिक्स हो गई है। चला लेंगे इसको अच्छे से,
गैस अभी मैंने स्लो कर दी है, अब ढक देंगे इसको, फिर से चला लेंगे। 2 मिनट बाद मैंने इसको फिर से चला रही हूँ, धीरे धीरे हाथों से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, सबका फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए और टेस्ट इन्हेंस हो जाए। ये देखिए चलाते हुए खुशबू आने लगी है। दोस्तों ये कांदा पोहा बनाइए, आलू कांदा पोहा बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब अगला प्रोसेस, नींबू डालेंगे हल्का सा, अगर जो लोग चीनी खाते हो तो इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। मैं चीनी नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि हम नहीं खाते हैं, तो मैंने नींबू डाल दिया आधा और थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी मैंने इसमें डाला है, 1 मुट्ठी है कटा हुआ हरा धनिया। चला लेंगे इसको अच्छे से। अब जो मैंने पीनट भून के रखा हुआ था वो मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस बिल्कुल स्लो पे है जिससे सारे फ्लेवर मूँगफली के अंदर भी आ जाएँ, पीनट के अंदर भी। हो गया है, गैस ऑफ कर दिया मैंने। चलिए सर्व कर लेते हैं इसको, ये रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, है ना टेम्पटिंग, आ रहा है ना मुंह में पानी। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया। दोस्तों ये आलू भुजिया है, ये ऊपर से आप डाल के खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इस तरह से डाल के उनको दीजिए, टिफ़िन में भी दे सकते हैं। देखिए अब उनको कितना पसंद आता है ये देखिए। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसी तरह से अच्छी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल मैजिक मसाला बाय माला के साथ। और फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।